फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं, क्योंकि मैंने सेम प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है जस्ट हाफ प्राइस में। और आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी और ये वीडियो आपको हेल्प करेगी ऑनलाइन शॉपिंग में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर वीडियो। सो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो, अगर हम भी बहुत अच्छे हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मैंने फर्स्ट अपना प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, जो अपनी ड्रेस ऑर्डर करी है वो मीशो से ऑर्डर करी है, और जो मेरी सेकेंड ड्रेस है वो मैंने ऑर्डर करी है मिंत्रा से। और जो ये मिंत्रा वाली ड्रेस मैंने ऑर्डर करी है मैंने 2700 रुपये में, 2700। और जो मीशो वाली ड्रेस है वो मैंने जस्ट ऑर्डर करी है 1400 रुपये में। तो चलिए फ्रेंड्स, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, चेक कर लेते हैं कि लाइक फैब्रिक में कोई इशू है या क्वालिटी में कोई इशू है, कि मतलब जस्ट हाफ प्राइस में मीशो से हमें सेम ड्रेस मिल रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम पैकेजिंग की बात करते हैं तो जो इस पे जो मिंत्रा का है, ये मुझे एक पेपर टाइप के एनवलप में रिसीव हुआ है, और इस पे मिंत्रा का लोगो भी है, जिससे हमें ये पता लगता है कि हाँ, ये मिंत्रा से मुझे ड्रेस आई है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। मुझे ड्रेस रिसीव हुई है वो इस तरह के पॉलिथीन बैग में रिसीव हुई है, ये देखिए। तो जब हम मीशो का प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, और जो ये मुझे मीशो का जो ड्रेस है मुझे इस तरह के पॉलिथीन बैग में रिसीव हुई है, तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। और जो मुझे ये वाली ड्रेस है मुझे इस टाइप के जिप लॉक बैग में रखी हुई है, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से पैकेजिंग है इसकी मीशो की। और आप देख सकते हो मिंत्रा की पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है और मीशो की पैकेजिंग इस टाइप की है। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि जो ड्रेस है उसका मटेरियल कैसा है, फैब्रिक कैसा है और क्वालिटी कैसी है। फ्रेंड्स, मैं जो ये फर्स्ट ड्रेस है जो मेरे को मिंत्रा से रिसीव हुई है, ये मैं ओपन करने वाली हूँ। देखिए, ये कुछ इस टाइप की ड्रेस है। जो इसका कलर है ड्रेस का वो पर्पल, यानी कि थोड़ा वाइन शेड भी है इसका। और इसमें मुझे एक पैपलम टॉप और नीचे शरारा और एक दुपट्टा मुझे रिसीव हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, चेक कर लेते हैं मिंत्रा की ड्रेस मुझे कैसी रिसीव हुई है, इसका फैब्रिक कैसा है। सो फर्स्ट मैं ओपन करूंगी इसका जो मुझे टॉप रिसीव हुआ है। इसका जो कलर है कुछ वाइन शेड है, और इसमें जो आपको फैब्रिक मिल जाता है वो सॉफ्ट जॉर्जेट है, और इस पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है और सीक्वेंस वर्क है। और मैं इसको ओपन करती हूँ तो इसमें आपको फ्रंट में मिल जाता है वी नेक, और जो इसका बैक है वो आपका ये कुछ इस टाइप का बॉट नेक है, और स्लीव्स आपको इसमें 3-4 स्लीव्स मिल जाती हैं, कुछ ये अम्ब्रेला कट डिज़ाइन है इसका, ये देखिए दोनों साइड। और इसका जो टॉप का डिज़ाइन है वो पैपलम टॉप डिज़ाइन है, ये देखिए। और फ्रंट में आपको एक छोटी सी फ्रंट स्लिट मिल जाती है इधर सेंटर में, ये देखिए। सो ओवरऑल जो ये मेरे को कुर्ता रिसीव हुआ है, इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट है और डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है और कलर भी बहुत प्यारा है इसका। तो सेकंड मुझे मिल जाता है ये दुपट्टा, इसके साथ दुपट्टा है वो नेट में है, और ये दुपट्टे का बॉर्डर है, और इसमें गोल्डन कलर की लैस लगी हुई है पूरे दुपट्टे पे, आपको चारों तरफ गोल्डन कलर की लैस मिल जाती है। और बात करें इसकी लेंथ की, दुपट्टे की लेंथ की, ये देखिए जो दुपट्टे की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो नेट है वो सॉफ्ट नेट है, और चारों तरफ आपको लैस मिल जाती है। सो बहुत प्यारा दुपट्टा है, नो डाउट बहुत प्यारा लगा मुझे। और चलिए बात करते हैं इसके शरारा की। जो इसका बॉटम है, जो इसका फैब्रिक है वो आपको सॉफ्ट जॉर्जेट इसका फैब्रिक है, और इसके ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ है ये सीक्वेंस में आपको, ये पूरे शरारे में आपको सीक्वेंस का वर्क मिल जाता है। फ्रंट में आपको इस टाइप की बेल्ट मिल जाती है, और जो बैक है बैक में आपको ये इलास्टिक मिल जाती है, कितना भी आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो, ये देखिए। फ्रेंड, जो शरारा का घेर है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो कितना ज़्यादा घेर दिया हुआ है, और यहाँ पे प्लेट्स भी बनी हुई है छोटी छोटी, ये देखिए। फ्रेंड्स, ओवरऑल जो मिंत्रा की ड्रेस है मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका फैब्रिक भी बहुत फाइन है और कलर भी बहुत प्यारा है। तो चलिए अब हम चेक करते हैं मीशो की ड्रेस हमें कैसी रिसीव हुई है। सो फ्रेंड्स, मैं दिखा देती हूँ, ये मेरे पास मीशो का प्रोडक्ट है और ये मिंत्रा का है, तो कलर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, देख सकते हो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कलर में। तो फैब्रिक देख लेते हैं फैब्रिक कैसा है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट मैं कुर्ता ओपन करती हूँ। सो इसमें आपको जो ये अंदर एक ये कार्डबोर्ड भी मिल जाता है, जो कि मिंत्रा वाले में नहीं था। और तो मैं फर्स्ट हम देखते हैं कुर्ता, कुर्ते का फैब्रिक कैसा है। सो आपको फ्रंट में सेम आपको वी नेक मिल जाता है, और आपका जो है वो बॉटनेक है, और आपको ये सिर्फ यहाँ पे साइज बताया गया कि एल है, और कोई भी आप उसको इसमें टैग नहीं मिल रहा है, उस जैसे कि मिंत्रा वाला था वो लिबास ब्रांड का था, इसमें कोई भी ऐसा ब्रांड मेंशन नहीं है। और जो आपको स्लीव्स भी हैं वो 3/4 मिल जाती हैं, और अम्ब्रेला कट इसका डिज़ाइन है स्लीव्स का, और जो इसका फैब्रिक है वो भी जॉर्जेट है, लेकिन जो मिंत्रा वाला जो फैब्रिक था वो ज़्यादा अच्छा था, वो ज़्यादा सॉफ्ट था,
इसका फैब्रिक इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, और अंदर इसके लाइनिंग भी यूज़ करी हुई है ना, वो बहुत ही हल्की लाइनिंग यूज़ की हुई है। इसमें भी आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है और सीक्वेंस का वर्क मिल जाता है, और इसका डिज़ाइन भी पूरा पैपलम टाइप टॉप है। ये देखिए, ये बैक है और ये फ्रंट है, फ्रंट में भी आपको ये स्लिट मिल जाती है, फ्रंट स्लिट सेम वही डिज़ाइन। और नेक्स्ट आते हैं हम दुपट्टे पे, दुपट्टा चेक कर लेते हैं दुपट्टा कैसा है। सो फ्रेंड्स, ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टे का कलर में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये देखिए, ये है मिंत्रा वाला और ये है मीशो वाला। सो जो ये मिंत्रा वाला जो दुपट्टा है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसकी थोड़ी सी हार्ड नेट है। ये देखिए, इसकी नेट बहुत ज़्यादा हार्ड है, और इसमें भी आपको जो इसका बॉर्डर है दुपट्टे का, वो गोल्डन लेस लगी हुई है पूरे चारों तरफ इसके बाउंड्रीज पे। ये देखिए, और इसमें भी दुपट्टे की लेंथ थोड़ी छोटी लग रही है मुझे, ये मेज़र करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो दुपट्टे की विड्थ है वो तो देखने में सेम लग रही है, ये देखिए। तो इसकी लेंथ देख लेते हैं, लेंथ तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, जो दुपट्टा है फ्रंट में है वो मीशो का है, और जो सेकंड वन है वो है मिंत्रा का। लेंथ थोड़ी छोटी है और बाकी फैब्रिक में भी थोड़ा डिफरेंस है। तो चलिए बात करते हैं शरारा की। तो फ्रेंड्स, जो शरारा है इसमें भी आपको फ्रंट में ये बेल्ट मिल जाती है, और मैं आपको ये इलास्टिक मिल जाती है, आप इसको भी कितना स्ट्रेच कर सकते हो। और बात करें फैब्रिक की, इसका भी जो फैब्रिक है थोड़ा सा हार्ड है, और जो मुझे फैब्रिक है शरारा का भी वो थोड़ा सा पतला दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू मिंत्रा, और कुर्ते का फैब्रिक भी मुझे थोड़ा सा पतला दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर हम शरारा के घेर की बात करते हैं, तो मैं मेज़र करती हूँ शरारा का घेर कितना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जो शरारा का घेर है उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, ये देखिए। और अगर मैं कलर की बात करती हूँ, तो ये मेरे पास मिंत्रा का है और ये मेरे पास मीशो का है, इसमें भी बहुत डिफरेंस है कलर में भी। और फ्रेंड्स, अगर बात शरारा के लेंथ की करते हैं, तो इसका जो लेंथ है इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। जो ये देखिए, जो मिंत्रा का है वो थोड़ा सा इतना सा डिफरेंस है लेंथ में भी। फ्रेंड्स, मैंने आपको दोनों ड्रेस दिखा दी हैं, आप देख सकते हो कुर्ते में भी काफ़ी डिफरेंस है। जो कुर्ते का कलर है वो भी बहुत लाइट है, ये पर्पल शेड है, ये वाला वाइन शेड है, लेकिन जो वर्क है वो बिल्कुल सेम है, डिज़ाइन भी बिल्कुल सेम है। लेकिन जो फैब्रिक की बात करते हैं, तो इसका जो फैब्रिक है बहुत ज़्यादा मतलब लो क्वालिटी का है, और इसका फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। वैसे अगर हम बात करते हैं, जो ड्रेस के अंदर मुझे लाइनिंग लगी हुई है, जो ड्रेस के अंदर लाइनिंग लगी हुई है, ये मैं आपको मीशो वाला दिखा रही हूँ। मीशो की जो लाइनिंग है वो देखिए कितनी ज़्यादा मतलब बहुत हार्ड है और सॉफ्ट नहीं है बिल्कुल भी। और हम बात करते हैं जो मिंत्रा की जो लाइनिंग लगी हुई है, वो देखिए कितना सॉफ्ट का फैब्रिक है इसका। बहुत शरारा की लाइनिंग की बात करते हैं, तो जो मिंत्रा की जो शरारा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है इसका फैब्रिक, और ये जो मीशो का है ये बहुत ज़्यादा मतलब पतला है और बहुत ज़्यादा हार्ड है। वो डिफरेंस आपको वीडियो में ही दिख रहा होगा, ये देखिए ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, थोड़ा सिल्क है, और ये थोड़ा हार्ड सिल्क है। मैंने कंपेरिजन आपको पूरा दिखा दिया है कि आपको थोड़ा सा जो इसका फैब्रिक है, दोनों का फैब्रिक है, उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और दोनों के जो नीचे की लाइनिंग जो लगी हुई है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दुपट्टे का भी आपने लेंथ देख लिया है, और शरारा के जो लेंथ है उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आपको अगर आप मीशो से लेते हो, थोड़ा आपको मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मीशो से बिल्कुल हाफ प्राइस में मिल रहा है, और मिंत्रा से आपको कम से कम 2700 का मिल रहा है। तो इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं फाइनल रिव्यू की, जो मिंत्रा का जो फैब्रिक है मुझे ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। करते हैं प्राइस की, सो प्राइस भी बहुत ज़्यादा है मिंत्रा का, जस्ट बिल्कुल डबल प्राइस है। और अगर बात करते हैं मीशो के फैब्रिक की, फैब्रिक में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल हाफ प्राइस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा, वो आपको फैब्रिक में कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलेगा इसके अंदर। मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी थी कि कंपैरिजन की वीडियोस, जो कि हर बार मीशो को ज़्यादा बेटर बताते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं कि मीशो का प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर है। और अगर मिंत्रा से अगर हमें डबल प्राइस में मिल रहा है, तो लेकिन उसकी क्वालिटी भी इससे बिल्कुल डबल हो जाती है, जो कि मैं करंटली देख रही हूँ, बिल्कुल क्वालिटी दोनों की बिल्कुल हाफ है प्राइस के अकॉर्डिंग। जैसा प्राइस आपको मिंत्रा में है, वैसा आपको बिल्कुल क्वालिटी अपोजिट दिख रही है।
देखा जाए तो जो प्राइस वो मिंत्रा का ज़्यादा हाई है, मीशो का बिल्कुल हाफ हो जाता है, तो वही सेम आपको फिर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करने को मिल जाता है। तो जो लोग क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं वो डेफिनेटली मीशो के लिए जाओ, लेकिन जिसको फैब्रिक में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, वो पैसे में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली मिंत्रा पे जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं अपने पसंद की बात करती हूँ, मैं डेफिनेटली मिंत्रा के लिए जाती हूँ, क्योंकि मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, मुझे क्वालिटी अच्छी चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी, और सो प्लीज़ जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ऐसी वीडियोज़ और बनाऊँ सो कमेंट करना ना भूलें। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में। सो टेक केयर फ्रेंड्स।